हो रही है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के कस्टमपुरा इलाके में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पिछले 3 महीने से जगह जगह सीवरेज लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए, जिसके कारण कई जगह से पाइपलाइन टूटने के चलते लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। वहीं कॉलोनी वासियों का ये आरोप है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो साफ पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। संवाददाता धीरज रावल इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, लोगों का ये कहना है कि 3 महीने से ये पाइपलाइन टूटी हुई है, बावजूद इसके शिकायत की गई, लेकिन निगम का इस ओर कोई ध्यान न देना, ये दर्शाता है कि बड़ी लापरवाही है निगम की। जी बिल्कुल, उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी के तहत जो दर्जा मिला है उसके अंतर्गत जगह जगह सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते सीवरेज लाइन के जो खड्डे खोदे गए उन्हें पूरा नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नल लाइन है वो दुरुस्त नहीं होने के कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कृष्णपुरा इलाके में मौजूद है, जहाँ पर विगत 3 से 4 महीने हो गए लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद है जिनसे बात करेंगे कि आपको कितने समय से पीने के पानी। हाँ साहब, 6 महीना हो गया, नाम पानी का टपका नहीं आता है इस घाटी ऊपर कृष्णपुरा के सरकारी स्कूल के सामने, नाम पानी नहीं आता। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है आपको पानी को लेकर? हर चीज से परेशान है, पानी लेना आते हैं नल से लेते हैं यहाँ, ये बनकट है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ महिला और भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 4-5 महीना हो गया, हैंड पाइप से भर से सब लोग पानी। आपने इस पानी की शिकायत को लेकर किसी को अपनी शिकायत दर्ज कराई क्या? नहीं करा, शिकायत नहीं। जी यहाँ पर महिलाएं जो बता रही हैं कि यहाँ पर पानी के लिए दूर दूर से इनको पानी लाना पड़ रहा है और पीने के पानी के लिए इनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारे साथ में कुछ जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, जो पानी के लोगों को जो परेशानी है उसको लेकर के आपने किसी से, प्रशासन से किसी को अवगत कराया, जल विभाग से, नगर निगम से? पूर्व पार्षद प्रताप सिंह चौहान, मैं निरंतर 5 बजे उठकर मैं आ जाता हूँ, पानी के बारे में जनता से रूबरू होता हूँ। प्रशासन को मैं कई बार कह चुका हूँ, कि पानी भी नहीं मिलता। यहाँ के महिलाएं कामकाजी है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके इन्होंने कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेने के बावजूद इनको पानी नहीं मिलता है, वो इनको रोज रहता है बेचारे, 9 बजे पहले काम पर चल जाता है। इनका पानी का निर्धारित भी नहीं है कितने बजे खोलना है और कितने बजे नहीं खोलना है। ये अपने हिसाब से जहाँ प्रभावी लोग रहते हैं उनको ज़्यादा खोल देते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं इनको पानी मिलता नहीं है। और जब गुलाब जी साहब की मेहरबानी से यहाँ 14-15 पंकट लग चुके हैं, पंकटों से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं जैसे तैसे। और बिल भरने के टाइम आता है जब नल के कनेक्शन काटना जाता है, नहीं बिल नहीं भरा, अब ये बिल भरे तो किस बात पर भरे, इनका पानी पूरा नहीं आता। तो देखिए नीरज, धीरज, यहाँ पर निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी नहीं आ रहा है, और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि बिल प्रॉपर लोगों के घर पर भेज दिया जाता है, ये भी बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं